खबरदार जो मेरे सामने मीठी मीठी बातें की होंगी। इन बातों से तुम हारून को काबू कर सकती हो, मुझे नहीं। तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में मैं हरगिज भी नहीं आने वाली, और ना ही तुम्हारी इन बातों की वजह से तुम्हें अपनी बहू तस्लीम करूंगी। क्या तुम रो रही हो? आपने अपनी अम्मी को घर छोड़ जाने की धमकी दी थी। हाँ कह दिया था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था हारून। और क्या करता उनकी उनकी जिद के आगे हार मान लेता। जो भी, अगर ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं समझ रही हो, वो मेरी बात कभी भी ना मानती, मुझे ये कहना पड़ा। और तुम्हें किसने कहा है? अम्मी ने बताया ये। कहा नहीं है, लेकिन बातों बातों में बोलती है। मैं तंग आ गई हूँ इन तंस्तानों से। मैं चाहती हूँ यहाँ सब एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत से रहें, बहुत प्यार से, कोई लड़ाई झगड़े कुछ। क्या आप मेरा साथ नहीं दे सकते? तुम्हें पता है मेरे अब्बा क्या कहते थे? वो कहते थे कि इस दुनिया में दो तरह की औरतें होती हैं। एक वो जिनके साथ नहीं रहा जा सकता, और दूसरी वो जिनके बगैर नहीं रहा जा सकता। तो फिर मैं कौन सी वाली हूँ? तुम तुम्हारे बगैर मैं एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सुनो, अभी पूरे घर की सफाई पड़ी है, कपड़े धोने वाले पड़े, पूरे घर का काम पड़ा है, और तुमने हंडी अभी से ही चढ़ा दी। वो मैंने सोचा पहले कीमा बॉईल कर लूँ कबाबों के लिए, उसके बाद फिर कर लूँगी सारा काम। क्या बना रही हो तुम? जी कबाब। वो हारून ने फरमाइश की थी कबाबों और बिरयानी की, तो मैंने कहा पहले बना लूं। कोई जरूरत नहीं है कबाब और बिरयानियां बनाने की, वो भी हारून की फरमाइश पे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो तो मर्द है, उसे क्या पता औरतें किस तरह घर के बजट चलाती हैं। ये रोजाना तुम बिरयानियां और कबाब बना बना के तो घर का सारा बजट आउट कर दोगी। वो दिन दूर नहीं है कि हम सड़क पे बैठे हुए होंगे। तुम्हें पता है तुमसे शादी करने के लिए उसने लाखों का कर्जा ले रखा है पहले ही, और तुम ये बिरयानियां और कबाब बनाओ और मजीद उसके सर पे जो है कर्जा चढ़ा दो। और ये कोई होटल नहीं है कि यहाँ रोजाना मुर्गन खाने पकेंगे। ठीक है, आप बता दें क्या बनाऊं, वो बना दूंगी, और जो कहेंगी वो कर लूंगी। और सुनो, खाने का मेन्यू मैं डिसाइड करती हूँ घर में। एक दिन दाल बनती है, एक दिन सब्जी बनती है, एक दिन गोश्त बनता है। इसलिए आज के बाद अगर कुछ बनाना तो पहले मुझसे पूछना कि क्या बनाना है, कब और कैसा। जी ठीक है। और पूरे घर की सफाई भी तुम्हें करनी है, ऊपर वाले पोर्शन से लेके यहाँ पूरे नीचे भी। और ये जितने भी पौधे लगे हुए हैं इन सबको तुमने पानी देना है। फिर क्यारियाँ साफ करनी है, कपड़े भी तुमने धोने हैं, बर्तन भी तुमने धोने हैं, उसके बाद खाना भी तुमने बनाना है। अब रोजाना के इन कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
हो जाएगा। और कुछ? अरे अम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए, इतनी अच्छी और ताबेदार बहू मिली है आपको। घर आते ही घर का सारा काम संभाल लिया उसने, वरना आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियाँ। हाँ, तो आजकल की लड़कियाँ ढेरों ढेर जहेज भी तो अपने साथ लेके आती हैं। अरे अम्मी, बस कर देना अब। क्या बस कर दूँ, आजकल की लड़कियाँ बहुत चालाक हैं, मुझे समझ में नहीं आती इतनी चालाकियाँ। ये लड़की बहुत चालबाज है, इस घर में सोचे समझे किसी मंसूबे को साथ लेके आई है, कोई मौका ही नहीं देती मुझे शिकायत का, हद होती है। तो अम्मी, आप इस बात पे भी खुश नहीं है? अरे तो क्या खुश हूँ, कैसे खुश हो जाऊं, ये इसकी मकारियां देख के। अरे इन ताबेदारियों को मत देखो, ये ताबेदारियां नहीं है, मकारियां है। सिर्फ और सिर्फ अपने मियां को काबू में करने और हमदर्दियां बटोरने का एक तरीका है, हरबाए बस। बुरा लगता है इनको अपनी भाभी के लिए कुछ बोलूं।